कस्टमर से देखे कोई तो हमको भी कोई गलती थोड़ी है। अरे उसके दर्द हुआ था, दर्द होने के बाद उसकी मैंने दवा लगाई हैं, और दवा लगाने के बाद लड़का मेरा लेट गया। बोला हमने कब ये अस्पताल ले चले हुँ? तो उसके बाद जब वो लेट गया तो हम अंदर चले गए। फिर जब सवेरे उठ कर के आए तो देखा शरीर ठंडा था। नीचे माननीय आशीष यादव कुमार यादव, जो रमेश यादव के बड़े लड़के हैं, जिनकी दो बीवियाँ हैं, एक का नाम है प्रेमा देवी और दूसरी बीवी का नाम है मीरा यादव। वो जो पजीरो स्पोर्ट गाड़ी खड़ी है, क्या ये मानवता कहती है कि ड्राइवर बच्चे की शक्ल देखने आए? आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आप ये बताइए कि ड्राइवर बच्चे की शक्ल देखने आएगा कि बड़ा भाई शक्ल देखने आएगा? आशीष यादव पूर्व विधायक सदर विधायक वो आए थे मौके पे, आए थे, गाड़ी खड़ी है नीचे और वो ऊपर नहीं आए, उसको कैलाश को भेजा कि देख के आओ। बड़ी जन ने जो बताया कि रात में सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और सुबह रात में ये सो गए थे, सुबह उनको मृत पाया गया, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्हें ले गए हैं और जैसा भी होगा अग्रिम कार्रवाई क्या पोस्टमार्टम के लिए ले गए नहीं, वो बताया कि स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई है, तो इस संबंध में परिवारजन पोस्टमार्टम भी कराना चाहते हैं, तो जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि रात में सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और वो सो गए थे, आके उसके बाद सुबह मृत पाए गए। क्या गले पे निशान है, कोई चोट का निशान है या गले पे कोई पुलिस ने दबाने का या रस्सी का निशान बॉडी को? ऐसा कुछ अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं हुआ है। सर क्या इतना जल्दी हो गया कि बिना मतलब सर पिता को भी नहीं इंतजार करना पड़ा, इंतजार नहीं किया गया, अचानक से बॉडी मिल गई? अब जो भी हो, सब परिवारजन आप लोगों के समक्ष मौजूद थे, सारे परिवारजनों ने आपस में एक राय होकर उनके अंतिम संस्कार का निर्णय लिया, तो परिवारजन के मामले में जो उन्होंने चाहा वो किए। ये सब क्या नाम है, क्या करते थे? अब जो परिवारजन ने बताया कि अभिजात नाम है और ये बीएससी के स्टूडेंट थे।